राधे राधे, जय गिरिराज जी की। सभी भाइयों को आप देख सकते हैं, यह है गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत और यह है गोविंद कुंड। गिरिराज जी के ऊपर चोटी से गोविंद कुंड के आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये गिरिराज जी की कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। और हम आपको दर्शन कराएंगे उस समय के जब ठाकुर जी को कृष्ण भगवान ने यानी गोवर्धन पर्वत को पूजा था और उनका नाना प्रकार के भोग अर्पित किए थे। तो उस समय यहाँ पर शिलाओं में बहुत सारे जो लीला चित्र हैं वो अंकित हो गए और हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही लीला चिन्हों को। आप देख सकते हैं ये वो शिलाएं हैं, इनमें कटोरियों के निशान बन गए हैं जब भोग लगाए थे ठाकुर जी को। आप देख सकते हैं कैसी कैसी शिलाओं में छवि अंकित हो गई है, आप देख पा रहे हैं। यही वो शिलाएं हैं जब ठाकुर जी ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को पूजा था और यहाँ पर उन्हें देखने के लिए और उनके साथ में अनेक ग्वालवाल आए थे जो यहाँ पर गायें चराया करते थे। आप देख सकते हैं ये उनकी छड़ी है, ये छड़ी शिला है, जब यहाँ पर रख के वो साथ में पूजा करवा रहे थे। और ठाकुर जी ने जब गोवर्धन पर्वत को पूजा तो श्रृंगार के लिए हार वगैरह पहनाते हैं। आप देख सकते हैं इस शिला में हार की आकृति है, आप देख पा रहे हैं ये हार है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और हम अभी दो भाई हैं, हम उनको पूछेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या हुआ था। भैया थोड़ा आना बताना ना, वो आ रहे हैं, वो दो भाई हैं, वो यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं कि गिरिराज जी की छवियों को ढूंढते रहते हैं, अब वो हमें बताएंगे। थोड़ा ये हार की बताना, ये गिरिराज शिला में हार कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ उगे हैं। आप देख सकते हैं ये हार है ठाकुर जी का और नीचे बड़ा सा लॉकेट बना हुआ है ये वाला, और वो लाठी के निशाने हैं जो दिख रहे हैं लाठी से, वो इधर है सामने। आप देख सकते हैं ये लाठियों के निशान हैं, बहुत सारी लाठी हैं। और ऐसी भी एक लाठी शिला नीचे है और है गिरिराज जी की तलैटी में, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और जो कटोरी है जो ठाकुर जी को जो भोग लगाया था नाना प्रकार का, कृष्ण भगवान ने जब पूजा की थी, ये कटोरियों की शिला है, इधर आप देख सकते हैं। एक इधर और ये है। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे, जय गिरिराज जी की। सभी भाइयों को।